हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूनिकॉर्न एकेडमी। पिछले वीडियो में हमने देखा कि एल्केन्स को एल्कीन्स और एल्काइन्स से कैसे प्रिपेयर किया जाता है। हमने देखा कि एल्काइल हैलाइड से कैसे एल्केन को प्रिपेयर किया जा सकता है, विटिग्रिएशन से किया जा सकता है एंड विद द हेल्प ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट किया जाता है, एंड हमने एक और प्रोसेस देखा। इस वीडियो में हम एल्केन्स के प्रिपरेशन के और कुछ मेथड्स देखेंगे। हम देखेंगे कि एल्काइल हैलाइड को रिड्यूस करके कैसे एल्केन को बनाया जाएगा, एल्डिहाइड एंड कीटोन से कैसे एल्केन को बनाया जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड से कैसे एल्केन को बनाया जाएगा। तो चलिए अब हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं कि एल्काइल हैलाइड को रिड्यूस करवा के एल्केन का फॉर्मेशन कैसे होगा। तो इसके तीन मेथड्स हैं, एक एक करके हम तीनों को देखेंगे। सबसे पहले हम मेटल एसिड के यूज से कैसे होगा वो देखते हैं। तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, एक एल्काइल हैलाइड ले लीजिए RX, एंड इसमें आपको देना है ZnH+। तो यहाँ से आपको मिलेगा तीन चीज़, एक मिलेगा अपने को RH दैट इज एल्केन, फिर एक मिलेगा आपको HX, जस्ट लाइक अगर X में Cl ले रहा हूँ तो HCl मिलेगा, एंड एक आपको मिलेगा मेटल के साथ हेलोजन MX। देखिए तो ये कैसे कैसे मिलेगा, हम देख लेते हैं इसका मैकेनिज्म क्या है। तो सबसे पहले जो हमने ZN दिया है वो क्या होगा, देखिए ZN जो है ना वो सबसे पहले +2 स्टेट में चले जाएगा। क्यों? क्योंकि +2 स्टेट में ZN स्टेबल होता है, नोबल गैस कॉन्फिगरेशन एक्वायर करता है। तो ZN +2 इलेक्ट्रॉन वो अपना रिलीज करेगगा। ये जो दो इलेक्ट्रॉन है ये RX पे क्या असर पड़ेगा इसका वो देखते हैं। तो सबसे पहले जो RX है, तो RX जो है ना वो सबसे पहले RX टूट के बन जाएगा R+X-। क्यों? क्योंकि X जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव है, हेलोजन है, तो उसके पास माइनस वो लीव कर देगा एंड R प्लस बनेगा एक कार्बोकेटाइन एंड X- बन जाएगा। अब क्या होगा वो देखिए। तो ये यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है अब उसका देखते हैं क्या होगा। जो R प्लस और X माइनस बनाए तो एक अपने को X माइनस तो यहाँ से तो मिल ही गया है। अब R प्लस जो है ना उसमें ये जो दो इलेक्ट्रॉन ZN का था वो R प्लस में मैं ऐड कर देता हूँ। तो जब पहले R प्लस था अब उसमें दो माइनस आ गया, तो एक प्लस और दो माइनस मिलके बनाएगा एक माइनस, तो यहाँ से अपने को मिल जाएगा R माइनस। तो अपने को एक X माइनस मिला एंड एक R माइनस मिला। अब देखिए हम ZN के साथ क्या दे रहे हैं, H प्लस, तो X माइनस में हम दे देते हैं H प्लस, तो यहाँ से आपको मिलेगा HX। देखिए तो एक प्रोडक्ट जो है वो हमको मिल चुका है एंड दैट इज HX। अब देखिए ये जो R माइनस है इसमें भी हम H+ दे देते हैं, तो R माइनस में H+ देने के बाद हमको मिलेगा RH एंड दैट इज एल्केन। तो हमको दो प्रोडक्ट ऐसे मिल गए हैं RH, ये हो गया आपका RH दैट इज एल्केन। अब हम क्या करेंगे, X माइनस में मेटल ऐड करेंगे, मेटल प्लस एंड देन वी गेट MX। तो यहाँ से अपने को तीनों प्रोडक्ट मिल गया है। देखिए तो ये था पहला मेथड विद द हेल्प ऑफ मेटल एसिड। मेटल एसिड्स के यूज करके हम कैसे इस एल्काइल हैलाइड को रिड्यूस करवा दें एंड वन ऑफ द प्रोडक्ट हम एल्केन फॉर्मेशन करवा दें। चलिए बाकी दो भी देख लेते हैं। तो चलिए अब देखते हैं कि और कैसे एल्काइल हैलाइड को रिड्यूस करके एल्केन का फॉर्मेशन होता है। तो अब आपको एक इम्पॉर्टेंट जो है वो मैं देने जा रहा हूँ इन्फॉर्मेशन, दैट इज LAH। LAH क्या है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, LiAlH4। ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट रिड्यूसिंग एजेंट है, इस पर हमने वीडियो पहले ही देख चुके हैं। तो देखिए ये करता क्या है एल्काइल हैलाइड को, कि RX है एल्काइल हैलाइड, उसमें हम सिंपल जो है LAH मतलब LiAlH4 डाल रहे हैं एंड सिंपल ये बना देता है एल्काइल हैलाइड को एल्केन में, मतलब एल्काइल हैलाइड को रिड्यूस करके ये एल्केन फॉर्मेशन कर देता है। ये बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, ये सबको रिड्यूस कर देता है। अब देखिए तीसरा देखते हैं मेथड कैसे एल्काइल हैलाइड को रिड्यूस करवा के एल्केन बनाएंगे, एंड दैट मेथड इज Rp+HI। ये जो Rp+HI है ना ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रिड्यूसिंग एजेंट है, ये सब हर तरह के चीज़ को एल्केन में कन्वर्ट करने की शक्ति रखता है। देखिए ये क्या करेगा, ये जो एल्काइल हैलाइड है उसमें हम Rp+HI डालेंगे, मतलब ये Rp+HI में एल्केन में Rp+HI डालेंगे, सॉरी एल्काइल हैलाइड में Rp+HI डालेंगे एंड सिंपल ये बना देगा आपको एल्केन।
यहाँ पे एल्केन फॉर्मेशन होगा। सिर्फ ये एल्काइल हैलाइड को ही एल्केन में कन्वर्ट नहीं करता, रेड पी प्लस एच आई जो अपना एसिड है उसको भी एल्केन में कन्वर्ट कर देता है, एसिड क्लोराइड को भी एल्केन में कन्वर्ट कर देता है, ईस्टर को भी एल्केन में कन्वर्ट कर देता है, एंड एल्कोहल को भी एल्केन में कन्वर्ट कर देता है। तो ये हर चीज़ को एल्केन में कन्वर्ट करने की शक्ति रखता है। तो ये थे कुछ मेथड्स एल्काइल हैलाइड को रिड्यूस करके एल्केन बनाने के। चलिए अब हम देखते हैं कि एल्डिहाइड एंड कीटोन से कैसे एल्केन का फॉर्मेशन हो सकता है। तो फ्रेंड्स चलिए अब हम देखते हैं कि एल्डिहाइड एंड कीटोन से एल्केन को कैसे फॉर्म किया जाता है। तो इसके दो मेथड है, एक है क्लेमेंसन रिडक्शन एंड एक है वुल्फ किशनर रिडक्शन। इन दोनों पे मैं सेपरेट वीडियोस बना चुका हूँ और उसका डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है, आई बटन पे क्लिक कीजिए, वैसे भी वहाँ से आप इन दोनों के वीडियोज़ को देख सकते हैं कि क्लेमेंसन रिडक्शन और वुल्फ किशनर रिडक्शन करता क्या है कि ये जो सी डबल बॉन्ड ओ है एल्डिहाइड एंड कीटोन का, इसको सीधा गायब कर देता है, मतलब ये रहता ही नहीं है, सी डबल बॉन्ड को गायब कर देते, चाहे यहाँ पे एच हो या कोई एल्काइल ग्रुप हो, या तो एल्डिहाइड हो या कीटोन हो, सब उसको सीधा एल्केन में कन्वर्ट कर देता है। तो देखिए क्लेमेंसन रिडक्शन में क्या होता है, इसके रिएजेंट होते हैं ZnHg एंड HCl, एंड वुल्फ किशनर रिडक्शन में क्या होता है, इसके रिएजेंट होते हैं NH2 एंड KOH। मतलब देखिए यहाँ से भी सी डबल बॉन्ड गायब हो जाएगा, मतलब सिंपल यहाँ पे CH2R सिंपल ये बन जाएगा, यहाँ पे ये डबल बॉन्ड हो गायब और यहाँ पे भी सेम बनेगा RCH2R-। तो अब आप एक चीज सोच सकते हैं कि दोनों में प्रोडक्ट तो सेम बन रहा है, तो हम दोनों का इस्तेमाल क्यों करेंगे, हम एक का ही किसी एक का इस्तेमाल कर लें, या तो क्लेमेंसन रिडक्शन का इस्तेमाल कर ले या फिर वुल्फ किशनर रिडक्शन का इस्तेमाल कर ले। तो होता क्या है कि देखिए क्लेमेंसन रिडक्शन एसिडिक मीडियम में होता है, देखिए HCl है, और वुल्फ किशनर रिडक्शन बेसिक मीडियम में होता है, देखिए KOH है। तो देखिए जहाँ पे भी यहाँ पे बेस सेंसिटिव ग्रुप अगर आया, सॉरी एसिड सेंसिटिव ग्रुप अगर आया, जैसे ये जो है ये H+ रिलीज करेगा क्लेमेंसन रिडक्शन, तो अगर इसको OH- कहीं से मिल गया तो वो पानी बना लेगा। अगर देखिए यहाँ पे इसमें कहीं अगर OH मिल गया तो वो क्या करेगा कि H+ जो है वो इसे रिएक्ट कर पाएगा और सिंपल जो है एल्केन, मतलब सी डबल बॉन्डो को तो गायब कर ही देगा, उसके साथ साथ कुछ और भी रिएक्शन कर देगा। और वुल्फ किशनर रिडक्शन में क्या है कि कोई बेस सेंसिटिव ग्रुप अगर आ गया तो वो उसके साथ रिएक्शन कर लेगा एंड प्रॉपरली, सिर्फ वो एल्केन को ही ये नहीं कर पाएगा बाकी और चीज़ को भी कर देगा। तो देखिए दोनों का मैं एग्जांपल देता हूँ कि कहाँ कहाँ पे दोनों फेल कर जाएंगे। देखिए मैं प्रोडक्ट को हटा रहा हूँ दोनों तरफ, आपको पता चल गया होगा कि प्रोडक्ट जो है वो RCH2R- बनता है, ठीक है। तो देखिए इसमें दिक्कत कैसे होगा, देखिए क्लेमेंसन रिडक्शन में कहाँ कहाँ दिक्कत होगा। मान लीजिए ये ऐसा कोई ग्रुप है एंड हियर इट इज़, चलिए मैं बेंजीन नहीं सिंपल साइक्लिक ग्रुप ले लेता हूँ, यहाँ पे डबल बॉन्ड ओ है एंड हियर समथिंग OH मैं दे देता हूँ, ठीक। और इसमें मैं क्लेमेंसन रिडक्शन करवा रहा हूँ, मतलब ZnHg एंड HCl को डाल रहा हूँ मैं। तो देखिए ये जो है सी डबल बॉन्ड ओ इसको तो गायब कर ही देगा, तो देखिए ये गायब हो गया, लेकिन ये जो है ना ये OH को भी गायब कर देगा। क्यों? क्योंकि देखिए HCl से जो है वो H+ निकलेगा एंड OH के साथ रिएक्शन करेगा एंड दस फॉर्म कर लेगा आपका वाटर। तो ये जो है ये सिंपल ऐसा बन जाएगा, लेकिन अगर हमको OH चाहिए कि अगर हमको ये बनाना है, अगर हमको ये बनाना है तो क्या हम क्लेमेंसन रिडक्शन का यूज कर सकते हैं? नहीं, उस टाइम में हमको क्या यूज करना पड़ेगा, वुल्फ किशनर रिडक्शन। तो देखिए ये था डिमेरिट क्लेमेंसन रिडक्शन का। अब मैं आपको बताऊंगा वुल्फ किशनर रिडक्शन का क्या डिमेरिट है। देखिए अगर कोई बेस सेंसिटिव ग्रुप है, जैसे देख लीजिए NH2+ हो गया आपका, ठीक, NH2+ RC डबल बॉन्ड ओ R-। देखिए अगर ऐसा कुछ है एंड इसमें मैं डाल रहा हूँ यही वुल्फ किशनर रिडक्शन इसका करवा रहा हूँ, मतलब NH2 एंड KOH डाल रहा हूँ, तो देखिए ये जो NH, मान लीजिए ये तो जो सी डबल बॉन्ड है वो तो रिड्यूस हो ही गया कि एल्केन में कन्वर्ट कर देगा, लेकिन जो NH2+ है ना ये इसके OH- से रिएक्शन कर जाएगा एंड दस फॉर्म कर लेगा NH2OH। मतलब कि ये देखिए ये निकल जाएगा इस रिएक्शन से एंड सिंपल बन जाएगा कुछ ऐसा RCH2R-, मतलब ऐसा बन जाएगा। लेकिन अगर हमको साथ में NH2+ भी चाहिए, अगर हमको साथ में NH2+ चाहिए तो क्या हम वुल्फ किशनर रिडक्शन का यूज़ कर सकते हैं?
नहीं, तो हमको क्या यूज करना पड़ेगा, क्लेमेंसन रिडक्शन। तो ये था डिमेरिट क्लेमेंसन रिडक्शन का भी, ये था डिमेरिट क्लेमेंसन का, एंड दिस वाज द डिमेरिट ऑफ वुल्फ किसनर रिडक्शन। भले ही दोनों सी डबल बॉन्डों को ब्रेक कर देते हैं एंड एल्केन फॉर्मेशन कर देते हैं, लेकिन कहीं कहीं पे दोनों का डिमेरिट है। तो इसलिए कभी हम क्लेमेंसन रिडक्शन यूज करेंगे एंड कभी हम वुल्फ किसनर रिडक्शन यूज करेंगे, दोनों के फेवरेबल कंडीशन को देखते हुए। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो में हमने देखा कि एल्काइल हैलाइड को रिड्यूस करवा के कैसे एल्केन बनाया जाता है एंड एल्डिहाइड एंड कीटोन से कैसे एल्कीन का फॉर्मेशन होता है। तो अभी तक हाइड्रोकार्बन के जितने भी लेक्चर हुए उसमें हमने देखा है कि एल्कीन, एल्काइन, एल्काइल हैलाइड, एल्डिहाइड एंड कीटोन से एल्केन को कैसे बनाया जाता है। अगले वीडियो में हम देखेंगे कि कार्बोक्सिलिक एसिड से एल्केन का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को कर दीजिए प्रेस, ताकि आपको हमारे चैनल का नोटिफिकेशन हमेशा मिलता रहे। थैंक यू।